डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेयर। दिस इज फोर्थ लेक्चर ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट एंड इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स, दैट इज आर्स कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑफ्टन यूज इन डिजिटल कंप्यूटर्स टू सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्शन। मीन्स दैट कॉम्प्लीमेंट्स का यूज डिजिटल कंप्यूटर्स में सब्ट्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। एंड कॉम्प्लीमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज आर्स कॉम्प्लीमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड इज आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज डिमिनिश्ड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर आर जो है, आर डिनोट करता है रेडिक्स को, मीन्स दैट बेस को, बेस या फिर रेडिक्स। अगर डेसिमल नंबर की बात की जाए तो डेसिमल का बेस होता है 10, तो आर की जगह 10 रख देंगे। तो डेसिमल का आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या है? 10 कॉम्प्लीमेंट। एंड डेसिमल का आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा जाए तो 10 माइनस वन हो जाएगा 9। मीन्स डेसिमल में आर्स कॉम्प्लीमेंट 10 कॉम्प्लीमेंट होता है, और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट्स की बात की जाए अगर डेसिमल में तो 9 कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से बाइनरी में अगर आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पूछा जाए, बाइनरी में आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा 2 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, तो आर की जगह 2 रख देंगे। और अगर आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो आर की जगह 2 रखा जाएगा, तो 2 माइनस वन, तो बाइनरी का आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से ऑक्टल का आर्स कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो आर की जगह 8 पुट कर देंगे, तो ऑक्टल का आर्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट। और अगर ऑक्टल के आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो आर की जगह 8 पुट कर देंगे, तो 8 माइनस वन इजक्ल टू 7। मीन्स ऑक्टल का आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट किसको बोलेंगे? 7 कॉम्प्लीमेंट को बोलेंगे। उसी तरह से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में आर की वैल्यू मीन्स बेस की वैल्यू होती है 16, तो आर की जगह 16 रख देंगे। तो अगर हेक्साडेसिमल का आर्स कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, आर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हेक्साडेसिमल का, तो हेक्साडेसिमल का आर्स कॉम्प्लीमेंट होगा 16 कॉम्प्लीमेंट। और अगर r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए हेक्साडेसिमल का, तो r की जगह 16 रख देंगे, तो 16 माइनस वन 15। मीन्स दैट हेक्साडेसिमल में अगर r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो 15 कॉम्प्लीमेंट वो होगा। यू कैन सी अगेन हियर, डेसिमल के लिए 10 कॉम्प्लीमेंट एंड 9 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, बाइनरी के लिए 2 कॉम्प्लीमेंट एंड 1 कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑक्टल के लिए 8 कॉम्प्लीमेंट एंड 7 कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसी तरह हेक्साडेसिमल के लिए 16 कॉम्प्लीमेंट एंड 15 कॉम्प्लीमेंट होते हैं। नाउ आर्स कॉम्प्लीमेंट, इफ कैपिटल एन इज अ पॉजिटिव नंबर टू द बेस स्मॉल आर विद स्मॉल एन इंटीजर डिजिट्स। मीन्स दैट कोई कैपिटल एन नंबर दिया हुआ है जिसका बेस आर है और एन इंटीजर डिजिट्स उसमें हैं। लाइक बाइनरी की बात अगर की जाए तो 101 ये नंबर दिया है, इसका बेस 2 है, तो यहाँ पे नंबर क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू है 101, और इसमें स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2 है, बेस 2 है, और यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, एन इंटीजर डिजिट्स, मतलब इसमें कितने इंटीजर डिजिट्स हैं, इसमें इंटीजर डिजिट्स हैं 3, दैट इज 101। देन किसी भी नंबर का हमको आर्स कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला है आर टू द पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन। नाउ इस फॉर्मूले में स्मॉल आर, स्मॉल एन एंड कैपिटल एन सबका वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 2 to the power 3 माइनस 101। तो 2 to the power 3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 8, और 8 माइनस 101 हो जाएगा, 8 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 1000 हो जाएगा माइनस 101, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 011। मीन्स आप सिंपली अगर चेक करना चाहें तो इस 101 को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे हो जाएगा 5, और इस 8 में से माइनस कर देंगे, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, और 3 का बाइनरी नंबर होता है 011, तो आप रीचेक कर सकते हैं 011 आया हुआ है। नाउ आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, इफ कैपिटल एन इज अ पॉजिटिव नंबर विद स्मॉल आर बेस एंड स्मॉल एन इज अ इंटीजर डिजिट्स एंड स्मॉल एम इज फ्रैक्शनल डिजिट्स, ओके, देन उस नंबर का अगर आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो फॉर्मूला है स्मॉल आर टू द पावर एन माइनस वन माइनस कैपिटल एन, और वी कैन से दैट आर टू द पावर एन माइनस आर टू द पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एन। पिछले वाले में यहाँ पे आर्स कॉम्प्लीमेंट था, इसलिए आर टू द पावर स्मॉल एन माइनस एन था, और यहाँ r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है, सो यहाँ पे r टू द पावर स्मॉल n माइनस वन किया गया है। नाउ फॉर एग्जाम्पल उसी सेम नंबर का 101 बेस 2 को ही अब हम r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कैपिटल n की वैल्यू वही सेम रहेगी, स्मॉल r की वैल्यू भी वही रहेगी 2, और स्मॉल n की भी वैल्यू सेम है वही, बस यहाँ फार्मूला चेंज है। यहाँ फार्मूला है स्मॉल r टू द पावर स्मॉल n माइनस वन माइनस कैपिटल n, तो इसमें हम वैल्यू सारी पुट करके सॉल्व करेंगे तो होगा 2 to the power 3 माइनस वन माइनस 101, 2 to the power 3 माइनस वन करेंगे तो सॉल्व होगा 7 आ जाएगा, 7 माइनस 101। अब 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और उससे हम 101 को माइनस कर देंगे, तो 7 का बाइनरी नंबर होता है 111, और 111 में से 101 को माइनस करेंगे तो आएगा 010। नाउ एक और फॉर्मूला आपको बताता हूँ, अगर r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है और हमको r कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, देन हाउ विल यू फाइंड r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में
प्लस वन कर देंगे तो आर्स कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मीन्स दैट अगर आर माइनस वन लिखा हुआ है उसमें हम अगर प्लस वन ऐड करते हैं देन वन से वन कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ओनली आर। सो आर्स कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर सकते हैं आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट में वन ऐड करके। ओके डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और रन डाउट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन और डाउट्स बाय कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।